संजीवनी की कालिक मेरे मुंह पर पोतने के लिए राजस्थान की सरकार के मुखिया ने हर संभव प्रयास किए। कुछ टिप्पणियां इसी सर्किट हाउस के बाहर की थी, उसके लिए आज भी न्यायालय में अपराधी की तरह खड़े थे। आज का कह रहा हूं, आज भी न्यायालय में अपराधी की तरह खड़े थे। मैं उस दिन भी कहता और आज भी कहता हूं कि अग्नि परीक्षा करके निकलने का तैयार हूं। आज तक मेरे ऊपर कोई लांछन नहीं लगा सका और न कोई लगा सकेगा। ये झूठ खड़ा करने वाले खुद उस झूठ की अग्नि में जल करके भस्म हो जाएंगे। और आज जिम्मेदारी से आपके सामने कह रहा हूं, एक साल में कोर्ट जिस दिन फैसला करेगा ना हाई कोर्ट में, इस संजीवनी के केस में मुझे फंसाने के लिए राजस्थान की सरकार ने आधिकारिक रूप से कह रहा हूं 40 करोड़ रुपए वकीलों को फीस के रूप में दिया है। और उस डिफेमेशन केस से अपने आप को बचाने के लिए 2 करोड़ रुपए की फीस जो है आपके और मेरे टैक्स के पैसे से दी है। शब्द कोई सरकार ने बोले थे, मुख्यमंत्री ने बोले थे या व्यक्तिगत रूप से बोले थे? जो मुझे गालियां दी गई थी वो किसने दी थी? माननीय अशोक गहलोत साहब ने दी थी। अब उसका खर्चा जो है राजस्थान सरकार और आपके और मेरे टैक्स के पैसे से हो, उसके लिए चिट्ठी लिख करके गुहार लगा रहे हैं। और मैं आज जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दो ही विकल्प होंगे, या तो उनके नेता की तरह जो है हमेशा के लिए पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएंगे, और या सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करेंगे।